सो दोस्तों, ये है Realme C15 मोबाइल और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप Realme C15 में जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक तरीका बताऊंगा, सिर्फ एक मिनट में आप समझ जाओगे कि कैसे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है। उसके लिए दोस्तों आपको ऊपर से स्लाइड करना है, जो नोटिफिकेशन बार होता है उस पर क्लिक करना है दोस्तों, और उसके बाद पेंसिल वाला ऑप्शन जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। सबसे नीचे आप देखोगे, यहाँ पर सबसे नीचे राइट साइड में कोने पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है, तो इस पर आपको देर तक प्रेस करना है और इसको ऊपर ले आना है। ऊपर आपको ले करके छोड़ देना है यहाँ पर। अब दोस्तों ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन जो है आपको ऊपर ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब जैसे ही इस पर टैप करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो है एक एग्री करने के लिए बोलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद अलाउ कर देना है दोस्तों। आपको ये परमिशन मांगेगा, जो है आपको सारी की सारी अलाउ कर देना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक जो है ऑप्शन यहाँ पर आइकन बन के आ गया है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, तो इसको आप चाहो तो इधर उधर भी कर सकते हो, चाहे जहाँ पर रख सकते हो। ऊपर जो लाल वाला दिख रहा है, जो बिंदु जैसा दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, ये जो है रिकॉर्डिंग चालू हो गई है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। यहाँ पर देख सकते हो कि सेकंड भी चल रहे हैं दोस्तों। आपको इसको बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से इसी पर टाइप करना है जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, उसके बाद आपको जो पाउच का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ से आप इसको बिल्कुल से बंद करना चाहते हो तो यहाँ पर जो लाल वाला जो दिख रहा है बिंदु, उस पर आपको क्लिक कर देना है, तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है आपके मेमोरी में सेव हो जाएगी। तो इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर इस बहुत ही आसान तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं।